भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले गांव नगला मौजी के खेल मैदान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुलाई गई महापंचायत में भाकियू भानु के कई जनपदों के पदाधिकारी महापंचायत में सम्मिलित हुए, जिसमें सभी ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं जैसे सुदीर माइनर की सफाई कर टेल तक पानी पहुंचाने की मांग, ओहावा में चारागाह की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विशाल गौशाला का निर्माण, विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के किसानों व्यापारियों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न के समाधान की मांग, एक्सप्रेस वे के सर्विस रोडों को पक्का कराने आदि मांगों के साथ प्रमुख मांग यमुना एक्सप्रेस वे पर सुरीर टेटिगांव के मध्य कट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पहुंचे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने संबोधन में कहा कि काना की नगरी में किसानों को किसी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने किसानों की मांग को जल्द पूरा नहीं किया तो वह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर लखनऊ में मांगों को रखेंगे और यमुना एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव के लिए सुरीर टेटिगांव के मध्य कट क्षेत्र के लिए जरूरी है वह भी मिलना चाहिए। इस मांग को भी जल्दी दिल्ली में बैठे नेताओं और प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर पूरा कराएंगे। अरे राजीव रोहता और देवेंद्र सिंह पहलवान को आज आदेशित कर रहा हूँ, यही पर मंच बन गया है, जगह भी बढ़िया है और क्षेत्र के लोगों से भी कह रहा हूँ अनिश्चितकालीन धरना होगा। आज है 29, 30, 31 और 1 मुझे दिल्ली कृषि मंत्री, गृह मंत्री और कृषि राज्य मंत्री चौधरी जान साहब ने केला चौधरी उनसे मिलना है और 1 तारीख तक ये धरना लगा रहना है और समाधान नहीं हुआ तो इनसे इनकी संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री और NKS चौहान विशेषाधिकार विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री तीनों से शिकायत करके इनकी वो मट्टी छटवाऊंगा कि जिनने हमारे किसानों की जितनी मट्टी छाप दी है। आदरणीय राष्ट्रीय किसान भानु की अध्यक्षता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश पदाधिकारी हमारे जिला सभी पदाधिकारी और सभी किसान भाई और यहाँ के सभी लोग मेरा दल को साधुवाद कर रहा हूँ। मैं तहसीलदार महाराज यहाँ सोलह वहां से हूँ और सोलह वहां में जो परंपरा पहले नहीं थी, मैंने 5 फुट अपने नाम से FIR करवाई जो खादर हुए किसी गोवा खादर की जो बात चल रही है, मैंने पिछले साल ही 70 लोगों के खिलाफ खाना सोलह ने अपने नाम से FIR कराई। मैं एक पार्ट होता नहीं था, एक पार्ट में जवाब डाला जाता है लेकिन उससे कोई जवाब नहीं था और मैंने 70 लोगों के खिलाफ FIR की। एक और जो प्रकरण ओहावा का आया है उसके लिए वादा करता हूँ कि आज ही टीम बनेगी और कल से टीम जाएगी वहां और पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरा अक्षर हटाया है। आप इसी माफिया से डरते नहीं है, आप लोगों के द्वारा आपकी सेवा के लिए हमारा चयन हुआ है और हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और इसीलिए मैं सुबह से लेकर शाम तक तहसील में जो भी कोई किसान भाई आता होगा मेरे ऑफिस में कभी बिना रोड से मेरे वापस नहीं आता। कई लोग आते हैं तो बुला के कहता हूँ कि मेरे पास आइए अपनी समस्या बताइए। एक चीज में आप लोगों से और बहुत स्पष्ट कहता हूँ, पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस लगता है, उसमें सारे अधिकारी होते हैं हम विभाग से और उस दिन तहसील में प्रशासन के अधिकारी भी होते हैं, पुलिस के भी होते हैं, PWD के भी होते हैं। आप उस दिन अपनी समस्या लेके आइए, मतलब आपका निदान अगर नहीं होता है उसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए आप पहले और तृतीय शनिवार को जितनी भी शिकायत है कि आपका मीटर नहीं चल रहा है, बिल आ रहा है, आप आइए शनिवार को तहसील दिवस में आपका समाधान किया जाएगा।